स्थिति तो चिंताजनक है पूरे देश में है, और इसके लिए सब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब चिंतित है। हमारे जयपुर में भी और स्टेट में भी कुछ केस बढ़े हैं, पर दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान की स्थिति बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम हुआ वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश में बहुत अच्छा काम सभी कलेक्टर्स ने, सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मिलकर किया, और हमारे यहाँ डेथ का रेट भी कम है, हॉस्पिटलाइज होने का रेट भी बहुत कम है, बहुत कम। और निश्चित रूप से वेरिएंट है, ओमिक्रॉन की ज़्यादा संभावना है सब जगह, ओमिक्रॉन ही है, इसलिए निश्चित रूप से इससे कोई जान को खतरा नहीं है, और सरकार पूरी सावधानी कर रही है कि न फैले। इसके लिए और कड़ाई सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की है, SOP, और निश्चित रूप से अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू करने की घोषणा की है, और पूरी सावधानी बरती जा रही है। हमारे हॉस्पिटलाइज तो अभी कम पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए वहाँ तो कोई सारी व्यवस्था हमारे पास पहले से ही पुख्ता है, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड्स, चिकित्साकर्मी सब हमारे यहाँ पर पूरा इंतजाम है। जैसी स्थिति होगी उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे अधिकारी सब सक्षम हैं, पूरी तैयारियाँ हैं, किसी तरह की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं।